الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, मैं पहले तो उर्दू में आज बात करने वाला हूँ. जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक का मैंने टाइटल रखा है डेवलपमेंट ऑफ अकीदा, डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी. किस तरह से अकीदा में एक के बाद एक अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स पैदा हुए और किन वजूहात से वो अकायद डेवलप हुए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और अहादीस सिखा दिया, मगर उसको एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाना, वो सिस्टमैटिक वे डेवलप कैसे हुआ, वो सिस्टम डेवलप कैसे हुआ. तो इस बात के नॉलेज के लिए शुरुआत तो हमें यहाँ से करनी चाहिए कि फ़िक्र के चार स्कूल्स ऑफ थॉट्स से आप लोग वाकिफ़ हैं, हनफी, मालिकी, शाफ़ी और हम्बली. चार स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, चार फ़िक्र हैं, फ़िक्र हनफी, फ़िक्र मालिकी और शाफ़ी और हम्बली. ये फ़िक्र से डील करते हैं. ये चारों के अकायद सेम हैं, अकीदा में कोई फ़र्क नहीं है. जुरिसप्रूडेंस में डिफरेंस है, फ़िक्र में डिफरेंस है. अकीदा के भी इसी तरह से अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं. असरी, अशारी, मातुरीदी, तीन मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं आज के वक्त में सुन्नी इस्लाम के अंदर. और उसी तरह से शिया इस्लाम है, शिया के अंदर इफना अशारी, जाफरी, इस्माइली, 7 वर, 12 वर, 5 वर, आपको पता है ज़ैदी उसके अलावा भी हैं और अलग अलग फिर उसमें माइनर सेक्ट्स भी हैं. उसी तरह से हमारे सुन्नी इस्लाम के अंदर भी माइनर सेक्ट्स भी हैं. सूफ़ी भी एक स्कूल ऑफ थॉट है. तो इस्लाम के अंदर हम लोग इंटरेस्टेड हैं सुन्नी साइड में, और शिया साइड में हम लोग जाएंगे तो फिर उधर का अपना सारा आइडियोलॉजीज आ जाता है. सुन्नी साइड के अंदर अगर हम लोग इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे हम लोगों का मेजर डिस्कशन होना चाहिए कि असरी, अशारी और माचुरीदी के जो अकायद हैं वो डेवलप कहाँ से हुए. अब मैं किस स्कूल ऑफ थाट से बिलोंग करता हूँ, मैं असरी साइड से बिलोंग करता हूँ. असरी साइड से जो इब्न तैमिया, इब्न अल-क़य्यिम, अहमद इब्न हम्बल की तरफ से जो अकीदा है, मेरा ऐसा बायस है, मैं साफ साफ कह सकता हूँ ये मेरा बायस है कि चारों इमाम के वही अकायद थे जो अहमद इब्न हम्बल के थे अकीदा के लिहाज से. ऑन द अदर हैंड जो अशारी और मिया मातुरीदी जो होंगे वो इन जनरल कहेंगे शायद कि जो चारों इमाम थे उनके अकायद वही थे जो इमाम अल अशारी का या इमाम अल मातुरीदी का था. दैट्स ओके, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. और मैं इन तीन, असरी, अशारी और मातुरीदी, इन तीनों को अहले सुन्नत वल जमा के अंदर हम सभी रखते हैं. तो इस वजह से इन तीनों पर मेरा कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना है, ठीक है. इनफैक्ट तारीफ ही होंगी. ऑन द अदर हैंड हाँ, लेकिन इनके जो आइडियाज इनके ओरिजिनली नहीं थे और बाद में डेवलप हुए हैं उस पर तो क्रिटिसिज्म होना है. सो खैर, वहाँ तक बात शायद आज इस लेक्चर में नहीं पहुँचेगी. असरी, अशारी, मातुरीदी तक बात अभी तो नहीं पहुँचने वाली है. इस वक्त हम लोग इन आइडियाज के बेस की तरफ जाते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई. तो जानकर शायद आपको हैरानी हो कि एक तो सोर्स है हमारे पास कुरान और अहादीस. ये कुरान और अहादीस के जो सोर्स हैं ये तो अल्लाह सुब्हानहु तआला ने हमें अता किया, मगर साथ साथ एक दूसरा सोर्स भी है जिसका गहरा, बहुत ज़्यादा गहरा इन्फ्लुएंस इस्लामिक फिलोसफी पे कम से कम पड़ा है. और इस्लामिक फिलोसफी का इन्फ्लुएंस इस्लामी अकीदा पे पड़ा है. अकीदा का मतलब हम लोग किन चीज़ों पर बिलीव करते हैं, हमारे बिलीव्स. तो हमारे बिलीफ्स पे ग्रीक फिलोसॉफी का, यानी प्लेटो क्या कहता था, एरिस्टोटल क्या कहता था, ठीक है, सोक्रेटिस, साफ साफ नाम लेके तो नहीं ज़्यादातर दिख रहे, लेकिन सोक्रेटिस के भी आइडियाज़ हमारे पास किस अंदाजे पहुँचे हैं. यहाँ तक कि थेलीज, जो उसको ग्रीस का फर्स्ट फिलोसोफर कहा जाता है, उसके भी आइडियाज़ हम तक पहुँचे हैं. तो इन सब हम तक पहुँचे हैं नहीं कहना चाहिए, बल्कि उनका इन्फ्लुएंस किस तरह से असरी, अशारी, मातुरीदी, अहले सुन्ना वल जमा के ग्रुप्स के अंदर हुआ, अकीदा पे हुआ है, जो जिस पर हम और आप बिलीव करते हैं. तो इसको हमें शुरुआत से स्टडी करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग शुरुआत से इस बात को समझ सकें कि कहाँ से डेवलप हो रहा है, इन आइडियाज़ का सोर्स क्या है. तो बेशक अब हम लोग शुरू करते हैं. रब इशरह ली सदरी वयस्सर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली. बहुत मुश्किल टॉपिक है. हम लोग बात करते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे कि सबसे पहला आइडियोलॉजिकल फितना क्या था. सबसे पहला
इस बार पॉलिटिक्स का डिस्कशन कम होगा, हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की बात कम होगी और आइडियाज़ की बात ज़्यादा होगी कि कौन कौन से नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तकदीर को लेके क्या क्या आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला की वहदानियत को लेके क्या क्या आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं, ज़्यादातर तो यही दो में डिस्कशन सुनता रहेगा। तो हमारे जो सबसे पहला आइडियोलॉजिकल फितना जो पैदा हुआ था, वो पैदा हुआ था अली रज़ी अल्लाह अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दो जनाब, ये दो सहाबी, अल्लाह इन दोनों को जन्नत अता करेंगे, इसमें कोई शक मुझे नहीं है और आपको भी नहीं है इंशाल्लाह ताला। तो ये दोनों ही शख्सियत के बीच एक जंग हुई, ये एक फितना था, ये पॉलिटिकल फितना था, ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थे, यहाँ पे दोनों ही शख्सियत सेम आइडियाज पे बिलीव करते थे, दोनों का इस्लाम को लेकर किसी अकीदा में डिफरेंस नहीं था, दोनों पे पॉलिटिकल राइवलरी हो गई थी, उसके वजूहत जो भी हों, उस पे बात करनी ही नहीं है अभी, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी। इस जंगे सिफीन के दौरान जब अली रजी अल्लाह अनहु और मुआविया रजी अल्लाह अनहु के बीच जंग हुई, आपको जंगे सिफीन का नॉलेज होना चाहिए, उससे पहले का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप आगे के अकीदा की स्टडी करने आए हैं यहाँ पर इंशाल्लाह ताला। तो एक मिनट, अकीदा की स्टडी करने के लिए ये सब चीज़ों की नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अकीदा की स्टडी करने के लिए बेसिक सीरत तो आपको पता होना चाहिए, अबू बकर उमर उस्मान के खिलाफत का आपको पता होना चाहिए, अली खिलाफत का आपको पता होना चाहिए अगर आप ये टॉपिक पढ़ने आए तो, और ये एकेडमिक डिस्कशन है, अगर आप कोई सिंपली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, यहाँ पे एकेडमिकली बात की जाएगी, अलग अलग लोगों के नाम, उनके आइडियाज़, और आपको चीज़ों को याद भी रखने की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी समझने के लिए, तो आप डिसाइड कर लें आपको सुनना है ये स्पीच या नहीं सुनना है। तो जब अली और मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के बीच जंग हुई, जंगे सिफीन, इस जंग के दौरान मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के कैंप ने नेजे पर यानी स्पीयर्स पर कुरान को रखा, जब 3 दिन बाद जब जंग हार रहे थे, इन्होंने कुरान पर को अपने स्पीयर्स पर रखा और बोला कुरान डिसाइड करे, कुरान को डिसाइड करने दो, ठीक है, बांध दिया ऊपर कुरान की किताबों को, मुसहफ को, मुसहफ के कुछ पेजेस को, सुहूफ को या कुछ भी लेकर बांध दिया और कहा कि कुरान को डिसाइड करने दो। तो अली रजी अल्लाह अनु के कैंप के कुछ लोग बोले सही बात है, इन हुक्मु लिल्ला, इन इन अल हुक्मु लिल्ला इल्ला लिल्ला, ठीक है, हुक्म नहीं है किसी का सिवाय अल्लाह के, तो अगर हुक्म नहीं है सिवाय अल्लाह के, अल्लाह को हुक्म करने का, कुरान को हुक्म करने के का कोई प्रपोजल दे रहा है, इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, अली रजी अल्लाह अनु के कैंप ने एक्सेप्ट किया। फिर क्या हुआ, दोनों ही तरफ से आर्बिट्रेटर्स आए, अली रजी अल्लाह अनु ने चूज किया अबू मूसा अल अशअरी को, और मुआविया रजी अल्लाह तआला अनु ने चूज किया अम्र इब्न अल आस रजी अल्लाह अनु को, दोनों ही सहाबी हैं, दोनों ने डिसीजन लिया और दोनों के बीच फैसले हुए और चलो हम दोनों वापस चलते हैं, और इसके ऊपर अलग अलग रिवायात हैं कि किस अंदाज में ये सारी चीजें हुई थी, उसके ऊपर हमें नहीं जाना है, तो ये दोनों वापस चले गए। जब ये वापस गए, वापस नहीं गए, अली रजी अल्लाह अन्हु के साइड के लोग बगावत कर गए, कुछ लोग बगावत कर गए, और ये लोग कहलाते थे खवारिज, इन लोगों को बाद में कहा गया खवारिज, ये पहला आइडियोलॉजिकल फितना था इन खवारिज का फितना। इन लोगों ने बोला कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये तो अभी कुरान के हिसाब से हुक्म करने वाले थे, ये कुरान को हुक्म करने का हक दे रहे थे, ये कहां से अबू मूसा अल अशअरी को बीच में ले आया, और एक इंसान को कैसे हो डिसाइड करने दे दिया कि इस हालात में क्या किया जाएगा, इस हालात में कुरान डिसाइड करता है कि क्या करना चाहिए। तो ये खवारिज लोग जो थे, इन्होंने कहा कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने गलत किया, और मुआविया तो पहले से गलत थे क्योंकि उनके खिलाफ तो पहले से लड़ ही रहे थे रजी अल्लाह तआला अन्हु। खवारिज का ग्रुप अलग हुआ और अली के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, ये आप सिनेरियो समझ रहे हैं, अली रजी अल्लाह अन्हु और मुआविया के बीच जंग होनी है, एक ग्रुप अली से ही निकल करके बाहर निकल गया और उसने कहा मैं तुमसे लड़ूंगा अली से, और दरअसल मैं तुम दोनों से लड़ूंगा। खैर अली और मुआविया वापस चले गए और खवारिज को भी छोड़ दिया, उनके हाल पे अली रजी ने शुरुआत में, बाद में तो उन्हें उनके खिलाफ जिहाद हुआ, लेकिन उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। ये खवारिज का ग्रुप, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हम लोग नहीं है कि क्या क्या हुआ पॉलिटिकली और अली ने जंग किया और कैसे हराया, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग, आइडियोलॉजी पे इंटरेस्टेड नहीं है, खवारिज मानते क्या थे। ये मैंने बोला कि खवारिज पहला आइडियोलॉजिकल फितना था, पहला ऐसा फितना था जिसमें एक अलग अकीदा पैदा हुआ, यहाँ पे कौन सा नया अकीदा था, ये खवारिज के लोगों ने बोला कि तुम एक मेजर सिन कर रहे हो, एक मेजर गुनाह कर रहे हो, कुरान की आयत है आयत नंबर 59 के अल्लाह के
की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो, फॉलो करो अल्लाह को, उसके रसूल को, और दोज इन चार्ज भी, दोज इन अथॉरिटी ओवर यू, जो लोग तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी रखते हैं यानी हुक्मरान, अपने हुक्मरान की भी अताअत करो। फिर आगे आयत में है कि अगर डिफरेंसेस पैदा हो, अगर इख्तलाफ पैदा हो हुक्मरान जो कह रहा है और अल्लाह उसके रसूल के कहने पर, तो वापस लौटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ। खवारिज ने बोला कि अली रजी अल्लाह अनु, आप जो वो रजी अल्लाह अनु अब कहना बंद कर चुके थे और वो अमीरुल मोमिनीन अली को नहीं मानते थे, उन्होंने कहा ए अली, आपने जो काम किया है, आपके सामने एक एक गिरोह था, आप अथॉरिटी में थे, आप अथॉरिटी में थे, और मुआविया रजी अल्लाह अनु ने बगावत किया रजी अल्लाह अनु, और फिर आपने आपको हुक्म करना चाहिए था, आपको लौटना चाहिए था, क्योंकि बगावत हो रहा है ना, कुरान और मतलब अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कुरान है, और इधर एक अथॉरिटी में एक पर्सन है, अथॉरिटी वाले पर्सन यानी ये अली है एक्चुअली, अथॉरिटी वाले पर्सन के खिलाफ बगावत कर रहा है मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। तो अब इख्तिलाफ हो रहा है, इख्तिलाफ में किसके पास वापस लौटना है, कुरान और हदीस के ऊपर यानी कुरान और सुन्नत के ऊपर, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर वापस लौटना है, कुरान का हुक्म है। और खवारिज ने बोला आप तो लौट गए अबू मूसा अशअरी के ऊपर, तो आपने गुनाह किया नाउज़ बिल्लाह तआला, और आपने जब गुनाह किया तो आप काफिर हो गए। अब ये क्या बात हुई? तो इनका कहना था कि अगर कोई कबायर, कोई मेजर सिन, कोई बड़ा गुनाह कोई शख्स करता है तो वो काफिर हो जाता है। ये आइडिया, इसको कहते हैं वईदिया, वईदिया, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं ये खवारिज, वईदिया, दो टर्मिनोलॉजी अभी नए नए आपने देखी। ये वईदिया जो ग्रुप थे, ये वईदिया ग्रुप ने बोला, यानी खवारिज वो ग्रुप थे और इनका जो आइडिया था वो था वईदिया का, ये एक आइडिया था। मिसाल के तौर पर मैं मुस्लिम हूँ और मेरा एक आइडिया है तौहीद, तो खवारिज एक ग्रुप था और उसका एक आइडिया था वईदी, वईदिया, वईदिया का मतलब होता है वईद करना, ठीक, और मतलब डराना, खौफ देना, उसे जहन्नम का वईद देना, ठीक है, बैड न्यूज़ उसे देना, ठीक है, ग्लैड टाइडिंग का उल्टा, बशारत का उल्टा वईद। तो खवारिज ने बोला कि अली आप तो काफिर हो गए ना नऊज़ुबिल्लाह तआला, क्योंकि आपने एक मेजर सिन किया। इसका क्या बेसिस था उनके पास? उन्होंने कुरान की इस आयत को पकड़ा, आयत नंबर 31 सूरह निसा की ही 31 नंबर की आयत, जिसके मुताबिक आप अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि उम्मत से कह रहे हैं कि अगर आप मेजर सिन से, कबायर से, मेजर सिन से अवॉइड करें, बचें, तो अल्लाह सुब्हान व तआला आपके माइनर सिन्स को, सय्यिआत, सय्यिआत माइनर सिन्स, छोटे गुनाहों को, गलतियों को माफ़ कर देगा और आपको जन्नत में दाखिला दे देगा। तो खवारिज कहे कि मेजर सिंस से आपको बचना ज़रूरी है, तभी अल्लाह आपके माइनर सिंस को माफ़ करेगा और आपको जन्नत में दाखिला देगा। तो मेजर सिंस से बचना आपको ज़रूरी है, अगर मेजर सिंस आपने नहीं बचा और तौबा नहीं किया तो आप जहन्नमी हो गए, आप काफिर हो गए, बेसिकली आपको फिर जन्नत नहीं मिलने वाला है। ऐसा खवारिज ने इंटरप्रेट किया इस आयत के जरिए। मगर दूसरी तरफ वही सूरह निसा आयत नंबर 16 में ये भी कहता है, बहुत फेमस आयत है, कि अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकता है सिवाय शिर्क के। आयत है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करता है और उससे छोटे हर गुनाह को माफ कर सकता है जिसके लिए वो चाहे, मगर जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया वो बहुत दूर जा चुका है। ये आयत है। तो इस आयत के मुताबिक, आयत नंबर 116 के मुताबिक, अल्लाह शिर्क से छोटे हर गुनाह को माफ कर सकता है जिसके लिए वो चाहे, मतलब बिना तौबा किए भी अगर किसी का इंतकाल होता है, अल्लाह हर गुनाह से कोई तौबा नहीं कर जाता है, मुमकिन नहीं है। तो अगर कोई शख्स इंतकाल करता है उसके बाद भी अल्लाह उसके गुनाह को अगर चाहे तो माफ कर सकता है। वईदिया खवारिज ने बोला नहीं, आपने मेजर सिन किया, अल्लाह कह रहे हैं आयत नंबर 31 में कि कबायर का, अगर तुम कबायर से बचते हो, मतलब मेजर सिन से बचते हो, तो अल्लाह तुम्हारे छोटे सय्यिआत को माफ करेगा। तो उनके मुताबिक उनका अपना इंटरप्रिटेशन था, कुरान की एक आयत को पकड़े हुए थे और दूसरी आयत को भूल गए थे या छोड़ रखे थे। और यहाँ पर मैं एक हदीस सुना दूँ कि खवारिज से रिलेटेड बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6934, सही बुखारी की हदीस है। सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी शख्स ने सवाल पूछा, साफ साफ सवाल है, क्या अल्लाह के रसूल ने खवारिज के बारे में आपसे कुछ फरमाया? और सहल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि इराक में एक गिरोह पैदा होगा, उन्होंने कहा वहाँ एक गिरोह पैदा होगा और उसका इन्फ्लुएंस है इराक के, क्योंकि बात क्या था कि सवाल पूछने वाले ने पूछा था कि खवारिज के बारे में कुछ कहा रसूलुल्लाह ने, तो इन्होंने कहा हाँ, रसूलुल्लाह ने कहा कि वहाँ एक गिरोह पैदा होगा, तो वहाँ से मतलब वही जगह इराक ज़रूर होना चाहिए। तो इराक में एक गिरोह पैदा होगा या वहाँ एक गिरोह पैदा होगा जो कुरान को
उसकी तिलावत करेगा तुमसे ज्यादा खूबसूरती से, मगर उसकी तिलावत उसके हलक के नीचे नहीं पहुंचती होगी, यानी दिल तक नहीं पहुंचती होगी, और वो इस्लाम को छोड़ देगा इस तरह, जिस तरह से एक तीर अपने कमान को छोड़कर निकलता है, तो इस्लाम से बाहर निकल जाएगा, हालांकि वो कुरान की तिलावत करता होगा। तो वही चीज है, वो कुरान को ही कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं, मगर वो इस्लाम को, अलजमा को, जो उम्मत का जमात है, जो उम्मत ने पकड़ रखा है, सहाबी एक भी खवारिज के अंदर नहीं, एक भी सहाबी खवारिज के अंदर नहीं, सिर्फ यही दिखाता है कि वो तो अहादीस ही को फॉलो नहीं कर सकते हैं, फिर उनके पास तो अहादीस ही नहीं बचे, फिर तो वो सारे के सारे सहाबी को, तो जितने भी सहाबी बैत कर रखे हैं अली को, जितने भी सहाबी बैत कर रखे हैं, या सीरिया के लोग जो मुआविया के पीछे खड़े हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों ही को उन्होंने काफिर बोल रखा था, तो उनके फॉलोअर्स को भी काफिर बोल रखा था, तो कोई बचे ही नहीं। और अली रजी उन्होंने छोड़ दिया, थोड़ा सा पॉलिटिकल टिकबिट, वो अली रजी उन्होंने छोड़ दिया था, मगर जब उन्होंने कत्ल किया एक सहाबी के बेटे, बहुत बड़े सहाबी खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु, खब्बाब इब्न अल अरद रजी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु का कत्ल किया, उसके बाद अली रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। तो ये खवारिज पहला फितना था। यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक है वईदिया। ये खवारिज ने एक आइडिया डेवलप किया वईद का, कि जो भी शख्स एक मेजर गुना करता है वो हर हालत में जहन्नम में जाएगा। चलो, अब एक बेसिक रूल ऑफ थंब है, एक बेसिक रूल है कि जब कभी भी एक एक्सट्रीम आइडिया आता है ना, तो उसका दूसरा एक्सट्रीम ऑटोमेटिकली उम्मत में डेवलप होने लग जाता है, तक वैलिड है। तो इसका पहला एग्जाम्पल हमें दिखता है यहीं पर, कि जब एक एक्सट्रीम आइडिया वईदिया का आया, तो उसका एक दूसरा एक्सट्रीम आइडिया मुर्जिया नाम का आइडिया आकर के उम्मत में बैठा। ये मुर्जिया आइडिया क्या है? मुर्जिया ठीक वईदिया का उल्टा आइडिया है। वईदिया आइडिया था कि अगर तुम कोई मेजर सिन करते हो तो तुम हर हालत में जहन्नम में जाओगे। मुर्जिया आइडिया था अगर तुम छोटे गुनाह भी करते हो, अगर तुम कोई भी गुनाह करते हो, तुम अगर ईमान रखते हो तो तुम हर हालत में जन्नत में जाओगे। ठीक उसका उल्टा है, बरक्स। ये वईदिया आइडिया डेवलप कैसे हुआ, इस पे थोड़ा सा पॉलिटिकल बात करके मैं निकल जाऊंगा, कि बनू उमैया यजीद का जुल्म हुआ, फिर मुआविया द सेकेंड का तो कोई जुल्म नहीं हुआ, 2 महीने की तो उनकी हुकूमत ही थी, इनफैक्ट वो उनको कुछ बेहतरीन इंसान कहा गया है, कुछ बेहतर नहीं बल्कि उनके बारे में काफ़ी तारीफ की गई है। उसके बाद फिर हुकूमत चली आई, मुआविया द सेकेंड के मैंने भी बात किया है, मुआविया, मुआविया के बेटे यजीद, फिर यजीद के बेटे दोबारा मुआविया, ये बनू उमैया है। फिर उसके बाद हुकूमत आ गई अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ में, फिर मरवान इब्न अल-हकम अल-हज्जाज बिन यूसुफ ने अब्दुल्ला इब्न जुबैर से हुकूमत छीना, उनका कत्ल भी किया, मरवान इब्न हुकम, ये दोबारा मरवान इब्न अल-हकम का काफ़ी जुल्म था। फिर अब्दुल मलिक इब्न मरवान, फिर वलीद, जुल्म चलता रहा जब तक अब्दुल अजीज़ नहीं आ गए, उमर बिन अब्दुल अजीज़ नहीं आ गए, फिर अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दोबारा जुल्म शुरू हुआ, इस तरह से जुल्म चलता रहा। इस जुल्म के दौरान उम्मत एक तरह से हार मान चुकी थी, जब अब्दुल्ला इब्न जुबैर तक का कत्ल हो गया, तब उम्मत एक तरह से हार मान चुकी थी कि रिवोल्ट का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब जो उम्मत ने डिसीजन ले रखा था वो ये था कि जो हमारे हुक्मरान है उनको उनको रूल करने दो, और जब तक वो नमाजें पढ़ रहे हैं, ईमान हमें हमें फॉलो करने दे रहे हैं इस्लाम को, और खुद बेसिकली ईमान रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नमाजों में हमें लीड करते हैं, उन्हें रहने दो जैसे वो हैं। मगर इस आइडिया के अंदर, दमस्कस के अंदर कुछ ग्रुप ऐसा पैदा हुआ जो मुर्जिया थे, उन्होंने इस तरह के आइडियाज डेवलप कर लिए कि इन जिनकी वजह से इन हुक्मरान को खुशी मिलती थी, ये हुक्मरान के चमचे जिनको कहते हैं वो थे, वो क्या कह रखे थे कि कोई शख्स कितना भी गुनाह करे अगर उसके पास ईमान है तो जन्नत में जाएगा। ये क्या हुक्मरान के, मतलब बनु उमैया के अल वलीद की मिसाल के तौर पर मैं वाकया अगर बयान अभी करने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत अभी नहीं है। तो मुर्जिया एक ग्रुप डेवलप हुआ जो एक तरह से पॉलिटिकल क्लास को खुश करने वाला ग्रुप था, मगर ये ग्रुप यूं ही नहीं पैदा हो जाता है, कुछ ना कुछ तो आइडियाज कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। जो आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं, दरअसल इसके ऊपर अगर कुछ ज़्यादा रिसर्चेज इसके ऊपर नहीं है, लेकिन अगर कुछ माइनर रिसर्चेज की मैं बात करूँ, माइनर का मतलब कि कुछ पीएचडी थीसिस जो वेस्टर्न लोगों ने लिखी है वो यही जिक्र आता है। मिसाल तौर पर जगन मैकडोनल्ड ने हिस्ट्री ऑफ, नहीं सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ जुरिस्प्रूडेंस एंड थियोलॉजी नाम की किताब लिखी, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि ये क्रिश्चियन, लाइट बात है, क्रिश्चियंस में भी तो यही यही कंसेप्ट है ना, कि अगर तुमने ईमान रख लिया है तो तुम हर हालत में जन्नत में जाओगे। ईसा अलैहि सलाम पे, जीसस पे, उनके सूली पे, चंद्र पे तुमने ईमान रख लिया तो तुम हर हालत में जन्नत में जाओगे, यही उनका अकीदा है। तो दरअसल जब मुसलमानों ने दमस्कस को फतह किया, तो दमस्कस को फतह करने के बाद उनके अंदर भी इसी किस्म के आइडियाज आ गए थे,
और क्योंकि दमस्कस क्रिश्चियन एरिया था, और वहां पर हमें पता है कि ये जॉन ऑफ दमस्कस, यूहन्ना दमिश्की, आप इसके बारे में अगर थोड़ा सर्च करें, ये शख्सियत था, एक फिलोसोफर था, जो आज भी कुछ क्रिश्चियन सेक्ट्स के अंदर इनको एक बड़ा फिलोसोफर कहा जाता है, क्रिश्चियन सेंट कहा जाता है, सेंट जॉन ऑफ दमस्कस, जो कि मुस्लिम रियासत के अंदर था, मुस्लिम जेरूशलम के अंदर था, ठीक है। तो इनके अपने फॉलोअर्स थे जो क्रिश्चियंस के अंदर थे, तो कुछ तो इन्फ्लुएंसेस मुसलमानों पे इनकी तरफ से ऐसा महसूस होता है कि आया है, ऐसा कई वेस्टर्न स्कॉलर्स ने लिखा है, पीएचडी थेसिस में लिखा गया है, वल्लाहु आलम। एनीवेज, ये मुर्जिया की मैं बात कर रहा हूँ कि मुर्जिया ग्रुप के ऊपर इस इनके ये क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसेस ऐसा महसूस होता है कि है। इसके अलावा एक और मैं बात करूँ, मुआविया द सेकेंड का जो मैंने बात किया था ना, मुआविया द सेकेंड के ने भी एक, मतलब मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बेटे यजीद, फिर यजीद के बेटे मुआविया, सिर्फ 2 साल की हुकूमत, 2 महीने की हुकूमत थी उनकी, 2 महीने, बीमार थे और जवानी में ही डेथ हो गया था, कुछ 19 से लेकर 23 साल के बीच, अलग अलग रिवायत है, 19 और 23 का रिवायत है, साल के वो थे, जवान थे, उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया था बीमारी से। और ये मुआविया द सेकेंड रज़ियल्लाहु अन्हु जवानी में ही, पहले से ही, जब ये प्रिंस थे, जब ये शहजादे थे, तभी से इनको शौक था पढ़ने का बहुत ज़्यादा, और ये फिलोसफीज को स्टडी करते थे, फिलोसफी की, और इन्होंने एक लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश किया था बनू उमैया के रीजन के अंदर। तो इस लाइब्रेरी के अंदर इसका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, जहाँ कुछ स्कॉलर्स ने पढ़ा हो, जो मुर्जिया आइडियोलॉजी, मतलब उन फिलोसफी, ज़रूर ग्रीक फिलोसफीज यहाँ पे आए होंगे, और क्यों मैं कह रहा हूँ ग्रीक फिलोसफीज आए होंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा, मैं मोतज़िला की बात करूँगा, आपको फिर से समझ में आएगा। चलिए, ये मुर्जिया के बारे में अब हम लोग जान गए, वईदिया पहला आइडियोलॉजिकल फितना था, उसके बरक्स मुर्जिया दूसरा फितना था, और लगभग एक वक्त तो नहीं, वईदिया पहले आया, मुर्जिया कुछ बाद में आया। मुर्जिया के ठीक बाद एक मुर्जिई का ही स्टूडेंट था, ये जात बिन दिरहम, ये शख्सियत था जिसने एक नया आइडियोलॉजी दिया, और जात बिन दिरहम से ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम इसका स्टूडेंट, जात बिन दिरहम का स्टूडेंट जहम बिन सफवान, जहम बिन सफवान, जाद बिन दिरहम, जहम बिन सफवान, ये दोनों टीचर स्टूडेंट्स हैं, ये मुर्जिया आइडियोलॉजी के स्टूडेंट थे, मगर अब ये आइडियोलॉजी कहीं और ही पहुंचा दी इन्होंने, इन्होंने फिर नया आइडिया डेवलप किया, जो आइडिया था कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, वो अल्लाह का क्रिएशन है, कुरान को अल्लाह ने बोला नहीं है, अल्लाह ने इसको बनाया है। बात समझ में आया? तो एक नया आइडियोलॉजी इन्होंने बनाया, ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं कहा था, इनफैक्ट कुरान का कलाम होना तो हर कोई मानता था, लेकिन जाद बिन दिरहम और जहम बिन सफवान के स्टूडेंट, सॉरी, जाद बिन दिरहम का स्टूडेंट था जहम बिन सफवान, और इस जहम बिन सफवान ने जो आइडिया दिया था कि खलकल कुरान, कुरान इज अ क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ कुरान, नाउज बिल्लाह तआला, और ये आइडिया का बेसिस क्या था, ये पूरी तरह से ग्रीक फिलोसफी था इस आइडिया का बेसिस, इसी की वजह से मैं कह रहा था कि लगता है कि कुछ ना कुछ ग्रीक इन्फ्लुएंसेस आए हैं, चाहे तो क्रिश्चियन जॉन ऑफ दमस्कस के जरिए या मुआविया द सेकेंड की लाइब्रेरी के जरिए, अल्लाह आलम, ये नहीं कहा जा सकता है कहाँ से आया है, इसके ऊपर रिसर्चेज हैं और लगता है कि सही भी है, मगर वी कैन नॉट बी श्योर, सो श्योर अबाउट इट कहाँ से आया है, मगर खैर, ये शुरुआती इन्फ्लुएंसेस ग्रीक फिलोसफीज के जो आए, उसकी वजह से ये आइडिया डेवलप हुआ जाद बिन दिरहम के अंदर और जहां बिन सफान के अंदर, जिसके जिससे कि अल्लाह सुब्हान तआला कलाम कर ही नहीं सकता है। और दरअसल आइडिया सिर्फ इतना ही नहीं था, अल्लाह सुब्हान तआला, मैं अभी इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब मैं मुअज्जिला की बात करूंगा तब मैं ज्यादा डिटेल में इसमें घुसूंगा, इस वक्त सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि इनके आइडिया क्या थे, क्यों थे, कहाँ से डिराइव हुआ था, किस तरह से फिलोसफी ये डेवलप किया था, ग्रीक फिलोसफी से किस तरह से आया था, इस पर मैं तब बात करूंगा जब मुअज्जिला पहुंचूंगा, अबू हुज़ैल बिन अल्लास की मैं बात जब करूंगा, तो इस वक्त मैं सिर्फ आइडिया बता दे रहा हूँ। इनका आइडिया था कि अल्लाह सुब्हान तआला कलाम नहीं कर सकता है, अल्लाह सुब्हान तआला खल्क क्रिएशन कर सकता है, और लेकिन वो बोल नहीं सकता है, और अल्लाह सुब्हान तआला के पास, हाँ, विल है, इरादा है, और अल्लाह जो है वो खुद आलिम है, मगर अल्लाह के पास इल्म नहीं है, नाउज़ बिल्ला, अजीब सा सेंटेंस है, अल्लाह आलिम है लेकिन उनके पास इल्म नहीं है, अल्लाह रहमान है लेकिन उनके पास रहम नहीं है, ये क्या बात हुई, कैसे, ये क्या मतलब क्या है इसका, ये आपको बाद में ही समझ में आएगा, अभी तो आप फिलोसफी में जब घुसेंगे तब फिलोसफी की ही जब बात करेंगे तब इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो और फालतू के आइडियाज हैं, ये पहले ही बोल दूं कि ये फिलोसफीज कुछ काम के नहीं है, लेकिन नन दी लेस, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस बाद में अशारी, मैचुरिटी और फिर इनके रिजेक्शन में असरी पे पड़ा है, तो इनको रिजेक्ट करने के लिए जब हम लोग आगे आए तो हम लोगों के ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ा, उसको समझने के लिए इन फिलोसफीज में को देखना चाहिए, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, बहुत डेप्थ में नहीं घुसेंगे। तो जहम बिन सफवान का ये आइडिया, कुरान क्रिएशन है, ये सबसे ज्यादा फेमस आइडिया था। इसके अलावा एक और आइडिया इसका था, जबरिया का आइडिया, मगर
अगेन वो देखेंगे थोड़ी देर बाद जब मुतज़िला की बात करेंगे कि मुतज़िला का कदरिया क्या था, तो उसके बरक्स जबरिया में हम लोग देखेंगे। तो जहां बिन सफवान का जो मेन आइडिया था खलक कुरान, कुरान इज अ क्रिएशन एंड नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। इसके बाद जो अगला ग्रुप जो आया है वह है मुतज़िला, और मुतज़िला में जो पहला शख्स जिससे मुतज़िलियत की शुरुआत हुई उस शख्स का नाम रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, मुतज़िला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, ये वो मेन पॉइंट है जिसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। तो मुतज़िला का जो पहला शख्सियत जिसका जिक्र किया जाता है मुतज़िला के साथ, अच्छा मुतज़िला पे पहुंचने से पहले मुझे इस बात को मैंने लिख रखा है, तो इसके डिस्कशन में करूं कि कुरान जो है हम क्यों मानते हैं कि कुरान इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ गॉड बट इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो ये चीज अहमद इबन हम्बल रहिमहुल्लाह ने इसका जिक्र किया कि सूरह आराफ में आयत नंबर 54 में अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि अल्लाह उसी का है क्रिएशन और उसी का है कमांड, अल्लाह ही का है खल्क और अल्लाह ही का है हुक्म। तो खल्क और हुक्म को अल्लाह अलग, दो अलग अलग चीजें कह रहे हैं। तो अहमद इब्न हम्बल कहते हैं इससे पता चलता है कि खल्क और हुक्म अलग चीज है, अल्लाह की हुक्म अल्लाह का खल्क नहीं है और अल्लाह का खल्क अल्लाह का हुक्म नहीं है, तो वो दो अलग अलग चीजें हैं। रैदर हुक्म खल्क बनाता है, जो अल्लाह ने कहा कुन, ये अल्लाह का हुक्म था, बन जा, हो जा, और हो गया, फयकुन, कुन फयकुन, वो हो गया, वो जो हुआ वो क्रिएशन है और जो अल्लाह ने बोला वो हुक्म है। हुक्म और खल्क दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये इस आयत से साफ होती है कि हुक्म और खल्क, खल्क और हुक्म दो अलग अलग चीजें हैं, खल्क मतलब क्रिएशन और हुक्म मतलब कमांड। अब अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह नहल की पहली ही आयत है कि अच्छा अमरुल्लाह, अल्लाह का अमर, अल्लाह का हुक्म आया है, ठीक है, अल्लाह का अमर आया है, ठीक है, अल्लाह का हुक्म आया है। तो यहाँ पर भी अल्लाह का हुक्म आया है, यानी कुरान को अल्लाह का हुक्म कहा जा रहा है। अगर कुरान को अल्लाह का हुक्म कहा जा रहा है, आयात को अल्लाह का हुक्म कहा जा रहा है, तो अल्लाह ने तो पहले ही अलग से कह दिया कि हुक्म और खल्क अलग अलग चीज़ें हैं, राइट, अल्लाह का ही है खल्क और अल्लाह ही का है हुक्म। तो उससे पता चलता है कि कुरान खल्क नहीं है। दरअसल इतना इस इम्फेसिस क्यों दिया जा रहा है कि कुरान खल्क नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कह रखा है कि अल्लाह कलाम नहीं कर सकता, इसलिए कुरान कलाम नहीं है अल्लाह का और खल्क है। तो हम कह रहे हैं नहीं, खल्क नहीं कलाम है। अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्ला सब थे इस चीज को साबित करने में कि कुरान अल्लाह का, इस चीज के ऊपर लड़ने के लिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है खल्क नहीं है। और ऐसा क्या पूरा उनके साथ वाकया हुआ था, ये अगर आपको जानना है तो वीडियो मैंने बनाया है अलग से, आप देख लें उसको, तीन वीडियोज हैं, सीरीज है अहमद हम्बल का, तीन वीडियो में सीरीज है उनके इस फितना के अगेंस्ट लड़ने की पूरी स्टोरी है, और वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, और जरूर देखना चाहिए। मतलब उसको देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा मुतज़िला कितनी बड़ी शय थी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। खैर, अब मुतज़िला जो है इसके बारे में एक वाकया का जिक्र मैं करना चाहता हूं कि हसन अल बसरी, एक बहुत, मैं अभी जिक्र कर रहा था ना कि सबसे पहले मुतज़िला का मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ है, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक शख्सियत है, थे हसन अल बसरी रहिमहुल्ला, हसन अल बसरी बहुत बड़े ताबई हैं। हसन अल बसरी रहिमहुल्ला के एक स्टूडेंट थे वासिल बिन अता, ये शख्स है जिसके जिससे कहा जाता है मुतज़िला की शुरुआत है, वासिल बिन अता। ये वासिल बिन अता ये मुतज़िला है क्या, इसके कुछ अलग आइडियाज होंगे। ये कहेगा ठीक वैसे ही खलक कुरान का जो आइडियाज उधर था जहमिया का, वो तो इधर रहेगा ही, उसके अलावा और भी हजार लफड़े पैदा होंगे मुतज़िला की तरफ से। पूरी तरह से ग्रीक फिलोसफी में जो डूबने वाला ग्रुप है वह है मुतज़िला, पूरी तरह से ग्रीक फिलोसफी। तो ये मुतज़िला ने, ये वाकया है हसन अल बसरी के स्टूडेंट थे वासिल बिन अता, उनके सामने एक शख्स आया, दो शख्स आए राधर, उन दोनों का नाम भी है कुछ किताबों में। वो दोनों शख्सियत आए और उन दोनों ने पूछा कि ये जो वईदिया और मुर्जिया का फितना है, एक एक ग्रुप है जो कहता है कि तुम चाहे कोई भी मेजर सिन करो तुम जहन्नम में जाओगे, और दूसरा ग्रुप कहता है तुम चाहे कितना भी गुनाह करो तुम जन्नत में जाओगे, इन दोनों के बीच बरहक कौन है या दोनों के बीच सही रास्ता क्या है। तो हसन अल बसरी इससे पहले जवाब देते हैं, वासिल बिन अता ने बोला कि वो दोनों ही शख्सियत, वो दोनों ही ग्रुप्स गलत हैं और सही है। तो ये बात तो सही बोला कि दोनों ही ग्रुप सही गलत है। सही ये है कि जो शख्स मेजर सिन करेगा वो ना जन्नत जाएगा ना जहन्नम जाएगा। ये क्या बात हुई,
मंजिल बैनल मंजिल मंजिल अटैन जाएगा, वो एक मंजिल में जाएगा जो दोनों मंजिलों के बीच में है, जहन जन्नत और जहन्नम के बीच की कुछ किसी मंजिल में जाएगा, मंजिल टू बैनल बैनल मंजिल अटैन। तो फिर वो अलग से गया और अपने अपना एक ग्रुप इकट्ठा किया, और उस ग्रुप को उसने एक एड्रेस किया, और उसने बोला, वासिल बिन अता ने बोला, जिसको पहला मोतजिली कहा जाता है, वासिल बिन अता ने बोला कि जो शख्स, ये फिलोसफी कहाँ कैसी है इनकी, कि जो शख्स कोई मेजर सिन करता है, मर्डर किया है किसी ने, जिसने मर्डर किया है वो मर्डरर कोई तारीफ के लायक शख्सियत है? नहीं। और मोमिन एक तारीफ का लफ्ज है, तो क्या तुम किसी मर्डरर को मोमिन कहोगे? उसने कहा नहीं, तो मर्डरर मोमिन नहीं है, और जन्नत सिर्फ मोमिनीन के लिए है, तो मर्डरर जन्नत नहीं जा सकता। और जो लफ्ज काफिर है, काफिर का मतलब है इनकार करने वाला, तो जो इनकार करता है अल्लाह सुबहाने व तआला का, क्या मर्डरर ने अल्लाह का इनकार किया है? नहीं, वो तो अल्लाह पे ईमान रखता है। तो अगर उसने अल्लाह पे ईमान रखता है और वो मर्डरर है, और वो मोमिन भी नहीं है, और वो काफिर भी नहीं, तो कहाँ है वो बीच का कोई शख्सियत है? वो बीच का शख्सियत, तो उसके लिए एक नया लफ्ज उसने डिस्क्राइब किया, वो है फासिक। उसने बोला वो शख्सियत फासिक है, वो तो फासिक है, और जो फासिक है वो मंजिल अच्छा मंजिल बैनल मंजिल अच्छा में जाएगा, दो मंजिलों के बीच एक मंजिल में जाएगा, ना जन्नत में जाएगा ना जहन्नम में जाएगा। अब ये वासिल बिन अता ने तो इतना ही बोला, दूसरे मौतजिलियों ने इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश की, किसी ने बोला कि वो जानवरों की तरह, मैं बताऊंगा एक एक का नाम, एक एक का तो नहीं लेकिन कईयों का मैं नाम ले लेकर एक एक के आइडियाज बताऊंगा। किसी ने बोला कि वो शख्स जो होगा, जो फासिक होगा, वो जानवरों की तरह मिट्टी हो जाएगा, उसका कोई ना जन्नत जगह ना जहन्नम जगह। किसी ने बोला कि वो जो होगा उसको मतलब आराफ, सूरतुल आराफ में जिक्र है ना कि बीच की जगह, तो उस एक ऊंची जगह, बीच की जगह एक ऊंची जगह, तो उस जगह पे उनको रखा जाएगा और सारी ताकयामत वो वहीं पे रहेंगे। हालांकि मोतजिला नहीं, मोतजिली जन्नत और जहन्नम को परमानेंट भी नहीं मानते थे कि दोनों ही चीजें, कुछ का कहना था खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जन्नत भी जहन्नम भी और आराफ भी, कुछ का कहना था कि नहीं वो दोनों फ्रोजन हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए फ्रोजन रहेंगे, जो शख्स इत्मीनान से वो हमेशा हमेशा के लिए इत्मीनान से रहेगा, जो शख्स सजा में वो हमेशा हमेशा के लिए सजा में रहेगा, मगर फ्रोजन वैसे ही के वैसे है, हिल भी नहीं सकता। तो अलग अलग किस्म के उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी। अब इनके पीछे क्या फिलोसफीज थी, सबका मुझे जिक्र करना है अभी नहीं। जब वासिल बिन अचा ने ये सारी बातें कही, तो वासिल बिन अचा के अगेंस्ट, नमाज का वक्त होने वाला है, वासिल बिन अचा के अगेंस्ट हसन अल बसरी ने जवाब दिया कि इअ्तज़लहू, या रादर उन्होंने कहा इअ्तज़ल अन्ना, वो हमसे इअ्तज़ाल कर गया, वो हमसे निकल गया, इसी वजह से उनको मुअ्तज़िला कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हसन बसरी की स्टेटमेंट की वजह से ऐसा उनको कहा जाता है। हालांकि इब्न मुनब्बिह रहमहुल्लाह ने लिखा है कि हसन बसरी के स्टूडेंट थे कतादा बिन दिआमा, ठीक है, कतादा बिन दिआमा, इनके जमाने में वासिल बिन अचा का स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे बल्कि उनका कॉन्टेम्प्रेरी, उनका उनके साथ साथ उनका काम करने वाला, उनका साथी अम्र बिन उबैद, वासिल बिन अता का डेथ हो गया, सॉरी डेथ नहीं हुआ लेकिन हसन बसरी का डेथ हुआ, उनके बाद कतादा उनके स्टूडेंट, उनके वहां पे बसरा के लीडिंग स्कॉलर बने। तो कतादा के जमाने में क्या होता था कि वासिल बिन अचा और अम्र बिन उबैद बिल्कुल अलग बैठना शुरू कर दिए और कतादा के साथ नहीं बैठे थे, तो कतादा ने उनको नाम दिया मुअ्तज़िला का, कि ये तो निकले हुए लोग हैं, वही जो हसन बसरी ने कहा था इअ्तज़ल अन्ना, ये तो हमसे अलग हो गए, तो वो ये हमसे अलग लोग हैं। जो मुअ्तज़िला जो ग्रुप थे उनको मुअ्तज़िला कतादा और मतलब हमारे साइड के लोग, अहले सुन्नत वल जमा के साइड के लोग कहते थे। ऑन द अदर हैंड जो खुद मुअ्तज़िला थे वो खुद को कहते थे क्या, अहले तौहीद वल अदल, हम जो हैं हम तौहीद और अदल के लोग हैं। अब ये तौहीद और अदल क्या है, इस पर हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है, मगर नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला। मगर नमाज में जाने से पहले मैं एक बात मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि जो भी ये ग्रुप थे, खवारिज मुर्जिई को आप छोड़ भी दें लेकिन, और मुअ्तज़िला जहमिया, ये जो ग्रुप्स थे इन सब के बीच कॉमन क्या था, मुर्जिया को आप थोड़ा साइड रख दें, सबके बीच कॉमन था हदीस का इनकार। ये और बाय द वे रवाफिद का मैं जिक्र नहीं किया, शियाज़म भी इसी बीच जब पैदा हुआ है कई सानिया, अगर आपको जानना है शियाज़म की शुरुआत की हिस्ट्री के बारे में तो एक वीडियो मैं लिंक कर दूंगा, मेरा नहीं है, कैसानिया के बारे में आपको जानने की जरूरत है, कैसानिया इस ग्रुप के बारे में आप जानिए, मुख्तार सकफी के बारे में आप जानिए, आपको शियाइज्म के ओरिजिन के बारे में आपको पता चलेगा। एनीवेज मतलब इमामत का कंसेप्ट वहां से शियाइज्म के अंदर आया, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक करके आइडियाज हमारे यहाँ आए, खवारिज के आइडिया थे वईदिया का या कादरिया का या जाबरिया का, जबरिया का, तो उनके यहाँ इमामत का कंसेप्ट आया, ठीक है, हमारे तरफ ये तौहीद और अदल का जो कंसेप्ट
मुआतजिला ने दिया, ये सारे एक एक कंसेप्ट थे जिनको, जो अकीदा में बिगाड़ थे, तौहीद अकीदा में बिगाड़ नहीं, लेकिन तौहीद का कंसेप्ट उनका अलग था, वही कि अल्लाह आलिम तो है मगर अल्लाह के पास इल्म नहीं है, नऊज़ बिल्लाह ताला, ये क्या बात हुई? तो कैसे ऐसा है वो हम लोग देखेंगे जल्दी इंशाल्लाह ताला। मगर एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो सभी हदीस का इनकार करने वाले लोग थे, क्यों? क्योंकि वो सहाबी को ही सही नहीं मान रहे थे, सहाबियों को ही रिजेक्ट कर रखे थे। मिसाल तौर पर इसका बेस्ट एग्जाम्पल आज अगर शिया हैं, आज के शिया हैं, वो आप देखिए कि वो तो सहाबी को ही नहीं मानते हैं ना, तो सहाबी को नहीं मानते तो जिस सहाबी को नहीं मानते हैं वो जिस सहाबी को मुनाफिक कहते हैं नाउज़ बिल्ला, तो उसके हदीस कहाँ से कबूल करेंगे? तो वो तो ज़्यादातर तो हदीस ही निकल गए उनके यहाँ से। उसी तरह से खवारिज सहाबियों को रिजेक्ट कर दिया, ना अली को मान रहे हैं ना मुआविया को मान रहे हैं, तो कोई हदीस कहाँ उनके पास आती है? अली के फॉलोअर्स और मुआविया के फॉलोअर्स, हदीस उनके पास कहाँ से आती है? हदीस ही नहीं बचे। उसी तरह से मुआतज़िला अलग होकर के अलग बैठ गए, तो इनका अपना स्टाइल बन गया। तो इसकी वजह से एक जो डेवलपमेंट जो इनके अंदर हुआ वो ये था कि हम लोग कुरान को ही बस इंटरप्रेट करेंगे, उसी से सब कुछ निचोड़ेंगे, और हदीस कुरान के मतलब हम लोग क्या मानते हैं कि हदीस तफसीर करती है कुरान की, सुन्नत तफसीर करती है कुरान की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो या कहेंगे जो कुरान के खिलाफ हो। तो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा है तो वो कुरान के खिलाफ कभी नहीं हो सकता है, दोनों के बीच रिकॉन्साइलेशन होने की ज़रूरत है। मगर वो चीज़ ये नहीं मानते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं मुआतज़िला खवारिज वगैरह वगैरह। तो हदीस का इनकार, और हदीस के लिए जो पुराना ज़माने का लफ्ज़ था वो था सुन्नत, फिक्र के आने के बाद सुन्नत लफ्ज़ बन गया कि भाई सुन्नत की नमाजें और जो काम करने पे ऐसा और वैसा, जो काम करने पे सवाब है नहीं करने पे गुनाह नहीं है, वो फिक्र क्या टर्मिनोलॉजी है। फिक्र के आने से पहले सुन्नत क्या था भाई? सुन्नत था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया वो सुन्नत है, जो भी कहा वो सुन्नत है। तो आज के ज़माने उसी को तो हदीस कहते हैं, ट्रेडिशन, सुन्नत उसी को कहते हैं। ओके, तो बस बात यही है कि ये सभी लोग हदीस का या सुन्नत का इनकार करते थे, इसी वजह से इनके बरक्स जो ग्रुप था उसको कहा गया अहलु सुन्नत, अहलु सुन्ना, और बाद में ये ग्रुप भी एक्सपेंड होता गया, इसलिए अल जमा, अहलु सुन्ना वल जमा बन गया, अहलु सुन्ना एंड द ग्रुप। जो आगे हम लोग बात करते हैं इंशाल्लाह ताला, ये अहलु तौहीद वल अदल के बारे में, इनका तौहीद और अदल को लेके क्या कंसेप्ट था, अबू हुज़ैल अल अल्लाफ कौन था, उसने मुआतज़िला को किस अंदाज में डेवलप किया, और फिर उसका रिजेक्शन किस अंदाज में आया। मगर आप ये वीडियो देख लीजिएगा उससे पहले इंशाल्लाह ताला कि अबू अहमद इब्ने हम्बल ने किस अंदाज में रिवोल्ट किया, किस अंदाज में लड़ा, किस अंदाज में मुआतज़िला को सप्रेस किया, और जो भी दूसरा साइड है ना उस वीडियो में जो मैंने बनाया है, अहमद इब्ने हम्बल जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं ना, जिसके खिलाफ आइडियाज दे रहे हैं ना, वो बंदा है अबू हुज़ैल अल अल्लाफ, उसी के सारे आइडियाज हैं जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे मैं फिर बात करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।